लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। इस चरण में 126 दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन पर कोई न कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इनमें 195 प्रत्याशी ऐसे हैं जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं। इस चरण में 184 करोड़पति उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और लखनऊ के सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा सबसे अमीर हैं। पूनम के पास 193 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एडीआर ने पांचवें चरण में चुनाव लड़ रहे 674 में से 668 प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। पांचवें चरण में 6 मई को मतदान होना है। 9 प्रत्याशियों के खिलाफ महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति क्रूरता जैसे मामले शामिल हैं। 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने हलफनामे में ये घोषित किया है कि वे आपराधिक मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। 3 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा चल रहा है। 21 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास का आरोप है। 5 उम्मीदवार फिरौती के लिए अपहरण कराने के आरोपी हैं। 5 प्रत्याशियों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने का मामला लंबित है। 184 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा है। एडीआर ने जिन 668 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है उनमें 184 यानी प्रत्याशियों की संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा है। भाजपा के 48 उम्मीदवारों में 38 और कांग्रेस के 45 में से 32 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा के 33 में से 17 और सपा के 9 में से 8 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक बताई है। 31 निर्दलीय उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। इस चरण में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.57 करोड़ है। पांचवें चरण में 12% महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में 40% यानी 264 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पास हैं, जबकि 52% यानी 384 उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे ज़्यादा पढ़ाई की है। 43 उम्मीदवारों ने बताया कि वे केवल शिक्षित हैं, जबकि 6 ने खुद को निरक्षर बताया। पांचवें चरण में 79 यानी सिर्फ 12% महिला उम्मीदवार है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।